नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में और मैं आपके साथ विदिशा शांडिल्या। करनाल के कैमला गांव में बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर बैठे किसान और कैमला गांव के लोग आमने सामने हो गए हैं। आपको बता दें कि 10 जनवरी को कैमला गांव में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का किसान महापंचायत कार्यक्रम है, जिसका विरोध आंदोलन पर बैठे किसान कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज किसानों ने आह्वान किया था कि इस कार्यक्रम के संयोजक और घरोंडा से बीजेपी के विधायक हरविंद्र कल्याण के घर का घेराव करेंगे। वहां पर काफी कड़ा बंदोबस्त पुलिस का कर दिया गया था, लेकिन किसानों ने प्रशासन को चकमा दिया और किसानों ने कैमला गांव की तरफ अपना रुख कर लिया। किसान कैमला गांव में पहुंचे ही थे कि कैमला गांव के लोगों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। थोड़ी देर के लिए माहौल गर्म हो गया। किसान हर हाल में आगे बढ़ना चाहते थे और उस जगह पहुंचना चाहते थे जहां सीएम का कार्यक्रम है, लेकिन कैमला गांव के लोगों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई और दोनों तरफ से नारेबाजी भी हुई और बाद में किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया और किसान शांतिपूर्ण तरीके से वापस लौट गए। आपको बताते चले कि किसान कृषि कानूनों के विरोध में काफी दिनों से दिल्ली में आंदोलनरत हैं। इसके अलावा भी किसान देश भर में अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। किसानों और सरकार के बीच कई बार वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई बात नहीं बन रही है। किसानों का कहना है कि कृषि कानून किसान विरोधी हैं, इससे किसानों का कोई भला नहीं होने वाला। उधर सरकार इस कानून को किसान हितैषी बता रही है। बता दें कि 10 जनवरी को कैमला गांव में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की किसान महापंचायत कार्यक्रम है, जिसका किसान विरोध जाहिर कर रहे हैं। किसानों का यह भी कहना है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं किए जाते, वे अपना संघर्ष करते रहेंगे। किसानों ने इस दौरान यह भी कहा कि सरकार किसानों पर जबरदस्ती ये कानून थोपना चाहती है, जिससे किसान किसी भी सूरत में सहन नहीं करेंगे। घरोंडा से विवेक राणा की रिपोर्ट। ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਲਾਨ ਬਦਲਿਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ? ਪਲਾਨ ਇੱਦੂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਟਸ ਤੋਂ ਨਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਕੈਮਲਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਭਾਜੀ? ਹੁਣ ਕੈਮਲਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਜੜੇ ਪਰ ਨਮਕ ਹੈ। किसानों के जड़े पर नमक है इनका किसान जमावड़ा, किसान पंचायतियाँ। और जिस तरीके से इन्होंने बैरिकेड बनाए थे जब हम दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में अंबाड़ा से दिल्ली तक 8 बैरिकेड तोड़े थे, अब यहाँ खट्टर साहब आ रहे हैं, हम भी बैरिकेड बनाएंगे और बैरिकेडिंग पूरी करेंगे। ट्रैक्टर ट्रालियों से सारा रास्ता रोकेंगे और हेलीपैड से अगर हटने की कोशिश करेंगे तो हेलीपैड को खोद देंगे। अगर फिर भी मंच पे पहुंच गए तो मंच पे किसान अपना कब्जा कर लेंगे। अब कहाँ निकले हो? अब गाँव कैमला में। तो अगली गांव कैमला में कैमला वासियों को समझाने के लिए, यहाँ की पंचायत को समझाने के लिए उनको समझाएंगे, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेंगे, भाई भाईचारा ना तोड़ो, जिम्मेवारी ना उठाओ और किसान आंदोलन में छोटा सा प्रोग्राम कर रहे थे, ये हमारा काफी दिन तक चल गया था और तो हमें मौका मिला, लेकिन इन लोगों ने आकर पूरा बवाल उठा दिया। कब कौन आ रहा है और आज विरोध करने कौन आया था? यहाँ खट्टर साहब आए थे, मंदिर का प्रोग्राम है, कोई मेली नहीं सूरत नहीं, एक मंदिर का प्रोग्राम है जो जिसका मेरा पूरा गाँव मानता है। और ये आप देख रहे हो पूरा गाँव 36 बरादरी मंदिर के नाम पर आई है, कोई बात रेटिंग है कुछ नहीं है इन लोगों के। ये आप देख रहे हो आज कितने आदमी ने लेकर आऊंगे, 36 बरादरी आपका नाम? आपका नाम? अंदर सिंह अभय, मैं कैमले गाँव का नागरिक, लेकिन इस तरीके का ना हो जाए सम्मान करते हैं प्यार से करते हैं भाई, हमारे गांव से इस तरह का आप आए हो ना, मेरे काम पसंद है भाई। हम अपना छोटा सा मंदिर लेके अपना प्रोग्राम करें, पर्सनल प्रोग्राम करें, हमने ना कहीं झंडे ला रखे ना करे, हमने प्रचार कर रखा, हमारा पर्सनल गाँव का एक छोटा सा प्रोग्राम है। मंदिर तो आ रहे हैं मेरे पापा के। चाहेंगे सीएम साहब का प्रोग्राम है, किस लिए कौन आया था और आपने किन का विरोध किया? ऐसा भाई साहब, ये मेरे गांव की 36 बरादरी का अपना पर्सनल प्रोग्राम है, इसमें ना तो कोई किसान का मामला है, इसलिए हमारा मंदिर का काम है वो हमने सीएम साहब बुलाए थे,
और ये लोग इनका मैं भाई था जोड़ने का जब किसी प्रकार का तुम लोग अन्नदाता के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे साले बदमाशी कर रहे बदमाशी कर रहे सर अपनी बात रखने का सब हक है। आपके गांव वालों ने ये जो आंदोलन करी आपके गांव में सीएम के प्रोग्राम का विरोध करने के लिए आए यहाँ जी ये लोग विरोध तो आपने आपके पूरे गांव वालों ने एकदम उनको रास्ते में रोक दिया रास्ते में रोक दिया और जोड़ का जाने भी नहीं देंगे। हमारे कार्यक्रम में बाधा मत डाले। हमारे बाबा का प्रोग्राम है हमारा बाबा जी का प्रोग्राम आप इसमें फिक्र ना डालिए। आप बॉर्डर पे बैठ जाइए। आप यहाँ अराजकता का माहौल क्यों कर रहे हैं? टोल टैक्स पे बैठे हो किसी ने डिस्टर्ब किया किसी ने परमिट दे दिया कई लोगों को अराजकता का बदमाशी है ऐसे तो हमारी देंगे ये कोई तरीका थोड़ी है इन लोगों का। अरे मांगे बनवाने का लोकतांत्रिक अधिकार है सबको। अब वहाँ बैठ जाओ टोल प्लाजा क्या सिस्टम है इनकी केवल एक डिमांड है जब मोदी सरकार लिख के देने के लिए तैयार है एमएसपी रहेगी मंडियां रहेंगी किस बात की गुंडागर्दी का यकीन नहीं ये भाड़े का टट्टू किस लिए काम कर रहे हैं? सब बिकवा माड़ा ये सब बिकवा माड़ा है। फंडिंग हो रही है बहुत फंडिंग हो रही है बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त। हां बैठे बैठे ये कोई तरीका थोड़ी होता है। हां खाजू बादाम यहां दाल रोटी नहीं मिलती। देखो अंत शांति से करें प्रदर्शन लोकतांत्रिक हमने डिस्टर्ब नहीं किया लोगों को करते रहे यहाँ हमारे कार्यक्रम में क्यों डिस्टर्ब करवाएंगे और हम इन्हें टोल टैक्स पर लठो फोड़ोगे? हम इनको टोल टैक्स भी खाली कराएंगे टोल टैक्स भी खाली कराएंगे। कहाँ के दादा बनते हैं? हम देखेंगे एक भी टैंट कुछ नहीं रहने देंगे यहाँ पे दोबारा। ठीक है कि नहीं? अगर दोबारा कहोगे नहीं अगर एक भी बंदा टोल टैक्स पर नहीं हटने देंगे शांति से रहे वहाँ बैठो कोई भी गंदी हमने इनका विरोध नहीं। अब हम अपने गांव में बैठे हैं कोई बाहरी व्यक्ति आके यहाँ डिस्टर्बेंस करे तो कानून का तो उल्लंघन है ही और सीधी हमारे गांव पे चढ़ाई कर दी बदमाशी दिखा रहे हैं बदमाशी दिखा रहे हैं धमकी दे रहे हैं हमें धमकी दे रहे हैं। हम शाम को गुंडे लेके आएंगे आ जाना कितने गुंडे हैं। आप सहमत नहीं हो? मैं सहमत हूँ मोदी से बात हम सहमत हैं। राजनाथ की सुनते ये किसकी सुनेंगे ये किसकी सुनेंगे बदमाशी दिखाएंगे। मोदी जी ने कह दिया एमएसपी ले लो अमित शाह ने कह दिया तोमर जी ने कह दिया क्या मांगते हैं किसकी मानने गए की तरह जीत कर रहे किसकी मानने गए खालिस्तानियों की। मैं तो रोऊंगा मैं तो रोऊंगा रोलो फिर बैठ के देश टुकड़े करने वाला काम है ये तो ये कोई बात थोड़ी है इनको विशेष फंडिंग हो रही है और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा रहे हमारी। देखो कनाडा का प्रधानमंत्री टूडो कनाडा का प्रधानमंत्री वो क्यों इनका समर्थन कर रहा है फंडिंग कर रहा है फंडिंग कर रहा है फंडिंग कर रहा है आयोवादी फंडिंग कर रहे हैं पैसे लेकर ये खालिस्तानी फंडिंग कर रहे हैं हमारे वो कर रहे हैं खट्टे से पैसे ले लिया। बहन जी सुनिए अब हरियाणा का ग्रामीण जाग चुका है यहाँ खालिस्तानी नहीं रहेंगे यहाँ तो हरियाणवी रहेंगे हरियाणवी। परसों वाला जो सीएम का प्रोग्राम है 100% होगा अगर किसी ने रुकावट डालने की कोशिश करी यहाँ खून की नदी खून की नदी एक एक बच्चा है मर कटने के लिए तैयार होना पड़े लेकिन पर सीएम का प्रोग्राम 100% ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन वर्ल्ड क्लास केटरिंग सेंट्रली एयर कंडीशन लश ग्रीन लॉन्स स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग लॉन्चिंग एंड पार्टीज राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।